हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए न्यू अनदर्स वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए ददूपर हेड पे, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे की ओर। तो लास्ट को जैसे गाइस आप देख पा रहे होंगे, ये रहा लाइट बनाने का पूरा सेटअप, और यहाँ से निकल रहा है पानी। इस पानी से यहाँ पर लाइट उत्पन्न की जाती है। तो बढ़ते हैं वीडियो को आगे और लेके दिखाते हैं आपको आगे का दृश्य, आगे क्या कुछ है। तो जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, आगे सामने हमारे रहा है कि पुल। इस पुल से ही क्रॉस होके हम दूसरे गाँव में एंट्री कर सकते हैं। अन्य यहाँ पर करने का और कोई रास्ता नहीं है। इस साइड से मात्र एक ही रास्ता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से पानी निकल रहा है, और इस साइड से ये पानी बंद करने का छोड़ने का शटर लगाया हुआ है। तो फाइनली गाइस हम पहुँच गए ददूपर हेड पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ददूपर हेड से घूमने के लिए जा रहे हैं, और हम इस लोकेशन पर पहुँच गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे ये रही नदी, और इस साइड रहा ये पार्क। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और हम चलते हैं अब आगे की ओर। पार्क में देखते हैं जाके क्या कुछ है यहाँ पर, वो दिखाते हैं आपको आगे का दृश्य। तो वीडियो को देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आगे जाके वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर शाम के टाइम हम आए हुए हैं। शाम के 4 बज रहे हैं, और आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है शाम के टाइम। क्योंकि इस टाइम जो सूरज है उसकी रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, मंदम हो जाती है, और छाँव आ जाती है। छाँव में क्या क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फोटो वगैरह बहुत ही अच्छी क्लिक होती है। और वीडियो जैसे आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी आ रही है, और मैं यहाँ पर फोटो वगैरह का भी क्लिक करा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पिक बहुत ही अच्छी आ रही है मेरी। तो चलते हैं लेके आपको पार्क की ओर। से बंदे फोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं। फिलहाल हम लोग फोटो वगैरह क्लिक नहीं करेंगे, हम करते हैं वीडियो शूट। तो लेकिन करते हैं आपको आगे की ओर। और इस साइड रखेंगे पेड़ पौधे, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ इस साइड ये रहा झरना बह रहा है, जो जैसे कि आप बाइक देख पा रहे हैं झरने, कितना साफ पानी है, एकदम पीने योग्य पानी है गाइस। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कितना साफ पानी है। इस फिलहाल यहाँ पर बारिश नहीं है, बारिश के टाइम में यहाँ पर जो पानी है वो गंदा हो जाता है। जो इस टाइम पानी है तो वो साफ था। और ये रहे इस साइड झूले वगैरह, जहाँ पर आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और ये मेरा भाई सिपू मेरे साथ आया था वीडियो बनाने के लिए, जो भी थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। छोटी बच्ची खेल रही है यहाँ पर। तो जैसे गाइस आपको पती है यहाँ पर बारिश है, और यहाँ बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं यहाँ फैमिली के साथ। तो इस साइड रही है दूसरी नदी, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत से बंदे खड़े हैं। इस साइड बहुत ही तेज बहाव आने के कारण यहाँ से टूट फूट बहुत हो गई है नदी की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस साइड अभी पानी बंद किया हुआ है, जिससे कि इसकी मरम्मत की जा सके। तो जैसे गाइस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दोनों साइड से नदी निकलती है, पार्क की साइड से जो आगे जाके मिल जाती है, आगे जाके मतलब कि एक हो जाती है, और बीच में ये रहा पार्क दोनों साइड नदी की ओर।
तो जैसे गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ बहुत ही तेज बहाव आया है बारिश के टाइम, और इस साइड से नदी बहुत सी डैमेज हो गई है जैसे कि आपको देख ही रहा होगा। अभी इसकी मरम्मत के लिए यहाँ पर पानी बंद किया हुआ, थोड़ा बहुत पानी इस साइड से चल रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है साइड से कितनी नदी क्रॉस खराब हो गई है, और थोड़ा पानी यहाँ पर चल रहा है, इसकी मरम्मत की जा रही है अभी। और ये रहा हमारे सामने चूल्हा जिससे पानी वगैरह निकाला जाता है, जो बीच में पार्क है, पार्क में पेड़ पौधे हैं उनको पानी देने के लिए इस चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चूल्हे का इस्तेमाल बहुत ही पहले किया जाता था पुराने टाइम में। तो फिलहाल तो ये चूल्हे इस्तेमाल में नहीं लिए जाते हैं क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मोटर वगैरह आ गई है। फिलहाल ये चूल्हा बंद पड़ा है क्योंकि इस साइड से पानी बहुत ही कम है, जैसे ही यहाँ पर पानी की स्पीड बढ़ती है चूल्हा ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है और इससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो आप कमेंट में बताना कि आपने ये चूल्हे पहले देखे हैं कभी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी लोकेशन है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए आ सकते हो, और आप यहाँ पर पार्टी वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर बहुत से लोग घूमने के लिए आए हैं अपनी फैमिली के साथ, तो आप भी यहाँ पर एक बार ज़रूर आना। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर पार्किंग बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर पार्किंग करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, तो आप फ्री में यहाँ पर बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हो। यहाँ पर पार्किंग बहुत अच्छा दिया हुआ है, जो कार वगैरह है वो बाइक जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये अगर जो टाइम का कोई मशीन वगैरह मेरे को पता नहीं है क्या कुछ सिस्टम, आपको मैडम बताना क्या क्या कुछ लग रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पर मेरे पीछे रहा है एक पार्क, और यहाँ पर बंदे घूमने के लिए गए हैं अंदर, और बहुत सी यहाँ पर बाइक वगैरह भी खड़ी है। यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पीछे बहुत से बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो ये रहा बीच में बहुत बड़ा डैम जहाँ पर पानी को भी रोका गया है, यहाँ पर से पानी वगैरह क्रॉस किया जाता है। फिलहाल इस साइड से पानी बंद किया हुआ है, थोड़ा पानी छोड़ रखा है इस साइड से, तो लेके चलता हूँ आपको मैं जो बड़ा पुल है उसको लेके चलता हूँ जहाँ से अभी पानी बंद किया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही पुराना है, इसमें जंग वगैरह लग चुका है। तो ये रहा यहाँ पर बड़ा पुल कि आपको दिख ही रहा होगा, इस साइड अभी पानी रुक गया है, खड़ा है अभी पानी बहा नहीं रहा है, तो इस साइड से पानी अभी बंद किया हुआ है। और ये बहुत ही बड़ा पुल है इस साइड की ओर, तो आप गाइस भी देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है शाम के टाइम। तो मेरे को यहाँ पर बज गए हैं 6:30 और मेरे को हो गई यहाँ पर शाम, तो मैं अब चलता हूँ घर की ओर, करने का टाइम आ गया है। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भाई मेरे यूट्यूब पे नया है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा। Thank you.